तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है और उसका जो आपका फर्स्ट वाला बुक है फ्लेमिंगो वाला, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं। आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 24 फरवरी को, जी हाँ बच्चों 24 फेब को जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उस 24 तारीख के एग्जाम के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले 10 साल का आप पेपर उठा करके देख लीजिए, बार बार रिपीट होकर के आ रखा है बोर्ड एग्जाम के अंदर, वो क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें आपसे बात करना है, कुछ हमारा सवाल है, इस तरह से कुछ हम आपसे पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। आप यहाँ मेरा इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हैं, jayjha07, ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है। जैसे ही आप इंस्टाग्राम पे जाके ये सर्च करेंगे तो मेरा आईडी देखने को मिल जाएगा आपको। ये मेरा चेहरा देख लीजिए। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि फेस रिवील कर दो सर, तो फेस तो मैंने कई बार रिवील कर रखा है, बस ये होगा कि आप अभी जुड़े होंगे हमारे चैनल से तो आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ये मेरा चेहरा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना, जिसमें हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप में सीधा जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है टेलीग्राम पे क्लास 12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको हमारा टेलीग्राम का ग्रुप कह लीजिए, चैनल कह लीजिए, वो देखने को मिल जाएगा। वहां पर भी जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, आपको इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर हम देते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी अ जॉय फॉर एवर। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, पिछले 10 साल का आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि सुंदरता की जो वस्तु होती है वो सदैव के लिए आनंद कैसे देती है या आनंद में कैसे रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज इटर्नल, इट्स ब्यूटी इंक्रीज विथ टाइम एंड इट ऑलवेज गिव प्लेजर टू द बिहोल्डर, इट गिव एवर लास्टिंग जॉय। कहने का मतलब यह है कि सुंदरता की वस्तु शाश्वत होती है, शाश्वत मतलब कभी ना खत्म होने वाला। ठीक है, इसकी सुंदरता समय के साथ बढ़ती जाती है और यह देखने वाले को हमेशा आनंदित करती है। जब भी आप कोई सुंदर वस्तु को देखेंगे तो आपको आनंद आएगा कि हाँ यार अच्छा देखा मैंने कोई चीज। ठीक है, और यह जो है सो कि चिरस्थाई आनंद देती है, मतलब कि एवर लास्टिंग वाला जॉय आपको देता है कि भाई देखते रहो। बस वो होता है ना यार, किसी को मैं देखता रहूं शामो और सुबह। मेरी सिंगिंग को लेके भी कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप गाना तो अच्छा गा लेते हो। हिंदी वाला जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रहा था तो उसमें एक गाना गा दिया था मैंने कि कबूतर जा 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 कबूतर जा, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपको यहाँ ले जाएंगे, इस कॉम्पिटिशन में खिलवाएंगे। मैं बोला यार पढ़ लो भाई, पढ़ने आए हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिड द पैडलर रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर। कहने का मतलब है कि क्या फेरी वाले ने, जो पैडलर था, उसने जमींदार द्वारा उस पर जताए गए भरोसे का सम्मान किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जमींदार नहीं कहूंगा, काइंड ऑफ वो आदमी कह सकते हैं आप इस टाइप का। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ये होना चाहिए कि नो द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्ड इन हिम बाय द क्रॉफ्टर, ही ब्रोक हिज ट्रस्ट एज द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग ही पिक्ड द 30 crores एज द इविल इन हिम फोर्स हिम टू डू सो। यानी कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर पैडलर था उसने जो क्रॉफ्टर था उसका भरोसा एक तरह से तोड़ दिया, एक तरह से, यानी कि जो पैडलर के ऊपर जो भरोसा क्रॉफ्टर ने दिखाया था वो बिल्कुल ही तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक आदमी है जिसका नाम है ए और एक आदमी है जिसका नाम है बी। ठीक है, अब ए नाम के आदमी ने बी नाम के बंदे को 20,000 रुपए, कितने रुपए, 20,000 रुपए दे दिए कर्ज के रूप में कि चल तू अभी कर्जा ले ले और जो काम तेरे को है वो कर ले और मेरे को वापस कर दिए। अब यहाँ पर 20,000 रुपए इस बंदे ने लिए और 20,000 रुपए लेकर क्या हुआ, ये
भाग गया है बंदा। तो क्या हुआ यहाँ पर, बी नाम के बंदे ने ए नाम के बंदे का ट्रस्ट या भरोसा के लिए तोड़ दिया ना, उसी प्रकार से जो पैडलर था ना उसने किसका जो ट्रस्ट था भरोसा था तोड़ा, तो क्रोफ्टर का। लेकिन क्रोफ्टर ने तो स्टार्टिंग में भरोसा किया था पैडलर के ऊपर, लेकिन पैडलर ने उसका भरोसा टिका नहीं रहने दिया और उसने उसका भरोसा तोड़ दिया। और उसने क्या किया, उसने अगली मॉर्निंग उसका जो 30 क्रोन्स था वो लिया और वो भाग गया, मतलब कि चोरी करके एक तरह से भाग गया। और ये काम करने के लिए किसने मजबूर किया था पैडलर को, तो उसके अंदर का जो बुराई था ना उसने ऐसा करने को पैडलर को मजबूर किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है, टर्म टू में ही आई थिंक आया था मेरे ख्याल से। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी द रैट ट्रैप। कहने का मतलब यह है कि जो द रैट ट्रैप कहानी है आपका, स्टोरी है, उसका संदेश क्या है, उसका मैसेज क्या है। तो इसका संदेश है भैया कि एडला ट्रीट द पैडलर एज इफ ही जो है सो कि वाज अ कैप्टन। कहने का मतलब यह है कि एडला ने जो पैडलर था उसको उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो कि वो एक कप्तान हो, एक कैप्टन हो। द पैडलर गॉट द पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, यानी कि फेरी वाला जो था, कह लीजिए जो पैडलर था, उसने खुद को साफ करने की शक्ति, मतलब उसको मिल गई कि हाँ उसके अंदर की जो बुराइयां थी उसको वो क्लियर कर सकता है। मैसेज लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स। कहने का मतलब ये है कि ये जो आपका रैट ट्रैप स्टोरी है ये आपका प्रेम और दया शक्ति सुधारक का यहाँ पर मैसेज देता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछ रहे हैं यहाँ हमसे। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि व्हाट वाज द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेयर क्रॉपर्स इन चंपारण, यानी कि चंपारण में जो बटाईदार लोग थे ना उनकी मुख्य समस्या क्या थी, मेन प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, तो यहाँ आंसर आप लिखेंगे कि द लैंड वाज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट्स दैट वेयर ओन बाय इंग्लिशमैन। यानी कि जो चंपारण में आप जो जमीनें देखेंगे ना, भूमि, ये क्यों ओन करता था, ये इंग्लिशमैन जो थे ना, अंग्रेज लोग, वो ओन करते थे, उनका स्वामित्व था इनके ऊपर। जैसे अगर आपका अपना घर होगा तो उसके मालिक कौन होंगे, आप थोड़ी ना होंगे, आपके पिताजी होंगे। आप सोच रहे हो आप मालिक हो, आपके पिताजी मालिक है। ठीक है, तो वैसे ही जो चंपारण के अंदर जो जमीनें थी ना, वो बड़ी बड़ी जमीनें, वो किसके कंट्रोल में थी, इंग्लिशमैन जो लोग थे उनके कंट्रोल में थी। और यहाँ पर बताया गया है द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो, यानी कि यहाँ पर बताया गया कि जो मुख्य खेती थी ना, मतलब व्यावसायिक खेती बोलिए तो पैसा कमाने वाला खेती, वो इंडिगो था, नील का खेती था। और यहाँ पर बोला गया है कि द लैंडलॉर्ड फोर्स ऑल द जो है सो कि टेंट्स टू प्लांट 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज अ रेंट। दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जमींदार लोग जो थे उन्होंने सभी काश्तकारों को मजबूर किया कि वे अपने जोत का, जितना भी वो जमीन मतलब जुताई करते थे, खेती करते थे, उसका 15% जो जमीन है वहां पर नील को खेती करे, नील जो है ये फसल जो है इसका खेती करे इंडिगो का, और उसको दे दे, सरेंडर कर दे एज अ रेंट, एज अ किराए के रूप में वो लोग दे दे। ठीक है, और ये एक लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट था भैया, ये नहीं कि एक शॉर्ट टर्म का कॉन्ट्रैक्ट है। और लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या है, अगर आप नील की खेती करते हैं भैया तो आपका जो जमीन है वो बंजर होने का खतरा बहुत ज्यादा बना रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा जो यहाँ पर चंपारण था उसके अंदर प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम कह सकते हैं शेयर क्रॉपर्स का। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए बच्चों यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे, ये भी आपका जो है सो कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी से ही लिया गया क्वेश्चन, कि हाउ डज इट्स लोनलीनेस इंक्रीज विथ जॉय। यानी कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी में से क्वेश्चन बना है कि आनंद के साथ इसकी सुंदरता कैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर आंसर होना चाहिए आपका कि ब्यूटी कैन क्रिएट जॉय इन द सोल दैट विल लास्ट फॉर एवर, इट्स पावर टू हील एंड गिव हैप्पीनेस एंड विल कीप इंक्रीजिंग। कहने का मतलब यह है कि सुंदरता जो होता है ना वो आत्मा में खुशी पैदा कर सकती है जो हमेशा के लिए रहेगी और जो है सो कि आपको कह लीजिए ना बहुत ज्यादा खुश कर देगी। इसकी शक्ति जो है और पावर जो कह लीजिए वो बढ़ती रहती है, तो हमेशा आपको आपका भी पावर ये बढ़ाता रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई सुंदर सुंदर चीजों को देखना चाहिए, कभी भी खराब चीजों को नहीं देखना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ लीजिएगा भाई इस चैप्टर को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कई बारी मतलब अगर आपका बोर्ड का जो पेपर आएगा उसकी मैं बात करूँ ना, तो मेरा ऐसा मानना है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी, रैट ट्रैप, ये सब जो चैप्टर है ना इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। गांधी जी वाला जो चैप्टर है इंडिगो वाला, तो जरूर पढ़िएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो को लाइक भी कर दो भैया, बहुत ज्यादा
उम्मीदों से वीडियोस बनाते हैं कि बच्चे पसंद करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ना केवल मोटिवेशन बढ़ता है ना, अंदर से एक वाइब आती है कि हाँ, जैसे होता है ना कि सुंदरता की चीज आपको हमेशा खुश रखती है। तो हमारे लिए सुंदरता क्या है कि आपका अच्छा रिस्पॉन्स आना वीडियो पर। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और अंदर से आवाज आती है कि जय सर क्या कर रहे हैं आप, इंस्टाग्राम फेसबुक क्यों चला रहे हैं, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं, बच्चों के लिए वीडियोज बनाइए, बच्चों का एग्जाम आ रहा है यार। तो हम आपके लिए क्या करते हैं, और वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। यानी जो राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी से क्यों मिलना चाहते थे हमारे शुक्ला जी, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, राजकुमार शुक्ला वाज अ शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण, यानी कि जो राजकुमार शुक्ला जी जो थे हमारे वो चंपारण के बटाईदार थे भैया। He was illiterate but resolved, यानी कि वो जो थे अनपढ़ थे लेकिन जो है कि कहते हैं ना दृढ़ निश्चयी होना कि भाई ये काम करके रहूंगा तो करके रहूंगा, बोर्ड एग्जाम में 80 में से 80 ला के रहूंगा तो ला के रहूंगा, बेशक से उसके लिए मेरे को फ्री फायर पबजी खेलना बंद कर दे, बंद करना पड़े तो कर दूंगा, लेकिन 80 में से 80 ला के रहूंगा इंग्लिश के एग्जाम में। ऐसा दृढ़ निश्चय वाले कई सारे बच्चे होते हैं ना टॉपर्स हमारे, तो वैसे ही यहाँ पर राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो बेशक अनपढ़ थे लेकिन दृढ़ निश्चयी थे कि ठान लेते थे ना वो काम करके ही रहते थे। आगे देखिए क्या बता रखा है यहाँ पर कि ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार। वो कांग्रेस सेशन के उधर गए और वहां पर किस लिए गए, वहां पर भैया अपना शिकायत दर्ज करवाने के लिए यार कि देखो बहुत बड़ी शिकायत है हमारी कि जो बिहार के अंदर चंपारण जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर लैंडलॉर्ड सिस्टम में भैया बहुत ज्यादा झोलझाल चल रहा है, ठीक है। ही वॉज श्योर दैट गांधी जी कुड हेल्प देम, यानी कि वो मतलब उनका मानना था कि गांधी जी तो कुछ ना कुछ उनकी मदद करेंगे ही करेंगे। ही वॉन्ट गांधी जी टू कम टू चंपारण डिस्ट्रिक्ट, सो ही वॉन्ट टू मीट गांधी जी, यानी कि वह चाहते थे कि गांधी जी चंपारण जिले में आए, इसलिए वह गांधी जी से मिलना चाहते थे। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सातवां क्वेश्चन, बिल्कुल थोड़ा सा ना ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्या बिल्कुल ध्यान से देख लेना भाई, क्या पता ये क्वेश्चन आ जाए आपका पेपर में। क्या है भाई कि हाउ डिड द पैडलर अर्न हिज लाइवलीहुड, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लिव। कहने का मतलब ये है कि जो पैडलर था वो अपनी आजीविका कैसे कमाता था, उसने किस तरह का जीवन जिया था भैया, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिखेंगे कि द पैडलर अर्न हिज लाइवलीहुड बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर विच ही यूज टू मेक हिमसेल्फ फ्रॉम द मटेरियल गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स। कहने का मतलब ये है कि जो आपका पैडलर था वह तार की छोटी छोटी चूहेदानियां बेचकर अपना आजीविका चलाता था, जिसे वह दुकानों या बड़े कह लीजिए फार्म से खरीदता था या भीख मांग करके प्राप्त करता था, खरीदता था काइंड ऑफ क्या कह लीजिए वहां से जो है सो कि प्राप्त करता था, इस तरह से आप कह सकते हैं। और यहाँ पर भीख मांग करके प्राप्त करता था सामग्रियों को, या कभी कभी वो क्या करता था यहाँ पर जो है सो कि गलत काम भी कर लेता था जो उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है, और वो चोरी वोरी भी करता था आपको पता ही होगा। आगे देखिए, बट दिस वॉज नॉट सो प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू बैग और इवन स्टील। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उसका ये सबसे काम नहीं चलता था भैया, इसलिए वो इतना प्रॉफिटेबल तो होता नहीं था, इसलिए उसे या तो भीख मांगनी पड़ती थी या चोरी करनी पड़ती थी। आगे बता रखा है कि ही रोम्ड अबाउट लाइक अ वैगाबॉन्ड ऑल अलोन, ही लिव्ड अ सैड एंड मोंटेनियस लाइफ विद नो वन टू वेलकम हिम। कहने का मतलब ये है कि वह आवारा की तरह अकेला घूमता था, उन्होंने एक उदास और नीरस जीवन व्यतीत किया था और उनका स्वागत करने वाला कोई नहीं था। मतलब कौन ही बात करेगा यार ऐसे आवारा की तरह घूमने वाले से, आप किसी से बात करेंगे? हाँ, अगर आपके सामने कोई IPS आ जाए, इंडियन पुलिस सर्विस वाला आ जाए और बोले हेलो, जो भी आपका XYZ जो भी नाम है, मतलब हेलो राहुल, हेलो कार्तिक, हेलो क्रिश, इस तरह के जो भी नाम है मान लीजिए, हेलो नंदलाल, तो आप तुरंत उनसे हाथ मिलाना चाहेंगे, बोलेंगे हाँ हेलो सर। लेकिन कोई आवारा आपके सामने आ जाए और हेलो बोले, बोलेंगे यार भैया तुम दूर हो जाओ यार, हमें अपना बहुत काम है भाई, जिंदगी में बहुत टेंशन है, तुम भी टेंशन हमें दे रहे हो। तो इसीलिए उनसे कोई बात नहीं करता था, किससे, पैडलर से, और कोई उसका वेलकम नहीं करता था। तो इस प्रकार से आपको लिखना है कि कैसे वो अपना जीवन चलाता था, आजीविका चलाता था और कैसा वो जीवन जीता था। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर आठवां क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया क्वेश्चन,
कि वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज अ फन। कहने का मतलब यह है कि राजकुमार शुक्ला जो थे वो जो है उनको दृढ़ क्यों बताया गया है, फर्म क्यों बताया गया है। तो राजकुमार शुक्ला इज एन इंडिगो ड्राइव फ्रॉम द चंपारण बिहार। ही वांट्स गांधी जी असिस्टेंस टू द इनजस्टिस कैरिड आउट ऑन ड्राइविंग फार्मर्स। गांधी जी हैज अनदर एंगेजमेंट। ही फॉलोड गांधी जी फॉर सर्वल वीक एंड मैनेज टू मेक गांधी जी विजिट द चंपारण। इसलिए उनको दृढ़ बताया गया है क्योंकि देखिए शुक्ला जी जो थे ना वो बहुत एकदम ठानने वाला इंसान थे, बोले जिद्दी टाइप के इंसान वैसे थे। और वो एक बार सोच लिए कि हाँ गांधी जी को ना अपने वहां चंपारण लेकर के जाना है और जो अन्याय हो रहा है ना उसको ठीक कराने में गांधी जी का असिस्टेंस लेना ही लेना है। अब गांधी जी भैया और कामों में व्यस्त, गांधी जी उनको वहां पे मतलब वो होता है ना कि बोले हाँ ठीक है मिल लूंगा ऐसे वाले में हो गए, ठीक है। लेकिन वो मन में ठान लिए थे शुक्ला जी के, अरे भैया गांधी जी आपको तो हम ले ही जाके रहेंगे। इसीलिए उन्होंने गांधी जी को, हालांकि वो बाद में लेकर के भी गए वहां पर और वहां पर विजिट कराया चंपारण का, इसीलिए शुक्ला जी को मतलब राजकुमार शुक्ला जी को दृढ़ बताया गया है, ठीक है, यानी कि फर्म बताया गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन है हमारा नौवां क्वेश्चन, क्या है भैया कि वाई डू पैडलर फील हैप्पी टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड टू बी रैट ट्रैप, वट इज रॉन्ग विथ हर एंटरटेन्ड बाय दैट आइडिया। यानी कि दुनिया को चूहेदानी समझकर रैट ट्रैप खुशी का अनुभव क्यों करता है, उस विचार से उसका मनोरंजन करने में क्या गलत है, ये विचार जो उसके दिमाग में आ रहा है तो इसमें एंटरटेनमेंट करने में क्या गलत है भैया। तो इसमें गलत है कि नो वन हैज एवर वेलकम द पैडलर, पीपल आर नॉट गुड टू हिम, ही फील्स हैप्पी टू थिंक बैड अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि जो पैडलर था वो कभी भी मतलब उसका किसी ने स्वागत नहीं किया, लोग उसके लिए अच्छे मतलब वो सोचता था कि लोग उसके लिए अच्छे नहीं है और लोग भी बेकार ही है, वह संसार के बारे में बुरा सोचकर प्रसन्न होता था, जो कि सही नहीं है हमारे यहाँ पर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आ गया एनिमेशन के साथ, दसवां क्वेश्चन कि हाउ डिड द क्रोफ्टर ट्रीट पैडलर एंड व्हाई। यानी कि जो हमारा क्रोफ्टर था उसने पैडलर के साथ कैसा व्यवहार किया और क्यों किया भैया। तो द क्रोफ्टर वाज लोनली मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड। यानी कि जो क्रोफ्टर था हमारा ना वो एक अकेला बंदा था, होता है ना एक अकेला बैचलर बंदा, वैसे टाइप का बैचलर ही होता है ना आई थिंक, हाँ तो अकेला बंदा था। अब ना तो उसके कोई बच्चे थे ना तो उसकी बीवी थी। ही क्रेव्ड एंड जो सो की डिजायर्ड ह्यूमन कंपनी टू शेयर हिज लोनलीनेस। ही वेलकम द पैडलर एंड ऑफर हिम जो सो की पॉइस सुपर एंड जो सो इवन तंबाकू। कहने का मतलब यह है कि उसने पैडलर का स्वागत किया, उसे जो सो की दलिया रात का खाना और यहाँ तक कि तंबाकू भी दिया। और यहाँ पर बताया गया ही प्लेड कार्ड विथ हिम, ही इवन शोज हिम हिज अर्निंग एंड लेट हिम नो वेयर इट वाज कीप। कहने का मतलब यह है कि वह उसके साथ ताश भी खेलता है और उसने उसे अपनी कमाई भी दिखाया और बताया भी कहाँ रखा हुआ है। तो ये आप लिखेंगे जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ डिड द क्रोफ्टर ट्रीट पैडलर, ठीक है, मतलब कैसे उसने पैडलर के साथ व्यवहार किया और क्यों किया। तो वो इसलिए क्यों किया, मतलब इसीलिए किया पैडलर के साथ ऐसा व्यवहार क्योंकि एक नॉर्मल बंदा होता तो पैडलर को वेलकम भी नहीं करता, उसने उसका वेलकम किया क्योंकि वो वैसे ही अकेला बंदा था, वो सोच रहा था कि कोई बंदा आ जाए उसके साथ वो शेयरिंग में रह ले और उसका भी थोड़ा टाइम पास हो जाए। वहां पर उसको पैडलर मिल गया जो कि वैसे ही आवारा था, अब मिल गया भैया तो उसको ले लिया अपने घर में, बोला कि चलो भाई ये देखो ये मेरी अर्निंग है, ये मैंने कमाया है, आ जाओ ताश वाश खेल लेते हैं। ताश वाश भी खेला और उसके साथ अपने जो है सो कि ये कंपनी मेंटेन करके चला, कंपनी मेंटेन इन द मींस कि वो दोनों साथ में रहे उस टाइम पे और उसने अपना जो अकेलापन था उसको दूर करने का प्रयास यहाँ पर किया। तो और तंबाकू उम्बाकू भी ऑफर किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखिए ग्यारहवा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाउ डिड सिंथेटिक इंडिगो बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ पुअर पेशेंट्स। यानी कि कह रहा है यहाँ पर कि जो कृत्रिम नील था ना वो किस प्रकार गरीब किसानों के लिए समस्या बन गया फॉर पुअर पेशेंट्स के लिए। तो ये आंसर इसका मतलब कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि द पेशेंट्स यूज टू पे इंडिगो एज अ रेंट टू द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। यानी कि किसान जो थे ना वो ब्रिटिश जमींदारों को किराए के रूप में नील का भुगतान करते थे और सिंथेटिक इंडिगो वाज डेवलप्ड मैनुअली। यानी कि इस बीच सिंथेटिक जो नील था ना उसका विकास हुआ।
तो यहाँ पर वो अभी तक तो दे रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सिंथेटिक बन गया, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। ब्रिटिश लैंड लॉर्ड्स वांट मनी एज अ कंपनसेशन, कहने का मतलब यह है ब्रिटिश जमींदार मुआवजे के रूप में पैसा चाहते थे भैया अब। तो ये कारण था कि सिंथेटिक इंडिगो जो था भैया वो प्रॉब्लम बन गया किसके लिए, पुअर पेशेंट्स के लिए। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 12वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि रैशनलाइज व्हाई किड्स यूज द मेटाफोर एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक इन हिज पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी, के हिसाब से या उसके आधार पर कह लीजिए आपको बताना है, यानी कि तर्क दे कि जो किड्स है उन्होंने अपनी कविता अ थिंक ऑफ ब्यूटी में अमर पे जो है उसका एक अंतहीन फब्बारे के रूप में क्यों उपयोग किया है, मतलब ये जो एंडलेस फाउंटेन होता है ना उसके रूप में यहाँ पर हमारा दिखाया है इमोर्टल ड्रिंक को अ थिंक ऑफ ब्यूटी के अंदर, ऐसा क्यों भैया, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। तो ऐसा इसीलिए हमारा बताते हैं वो, क्योंकि जो आपका थिंक ऑफ ब्यूटी है ना आर जस्ट लाइक द इमोर्टल ड्रिंक ऑफ द गॉड्स दैट फ्लो कंटिन्यूअसली एंड नेवर डाई, यानी कि जो आपका थिंक ऑफ ब्यूटी है ये जो है देवताओं के उस अमर पे, यानी कि एक होता है ना वो अमर हो जाने वाला जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, अमृत होता है ना, उसके समान है जो निरंतर बहता रहता है और कभी नहीं मरता है। साथ ही साथ बताया गया है कि जस्ट एज द एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टलिटी इज एन जस्ट एक्लेयर ऑफ लाइफ सिमिलरली थिंग्स ऑफ ब्यूटी आर कंसिस्टेंट एंड यहाँ पर आप कह सकते हैं पेरिनियल इन प्रोवाइडिंग जो कि एवर लास्टिंग जॉय और मोटिवेशन ब्लेसिस करके, यानी कि जिस प्रकार अमरता का अंतहीन स्रोत जो है ना जीवन का अमृत है, उसी प्रकार से सुंदरता की चीजें चिरस्थाई होती है, मतलब कभी खत्म होने वाली नहीं होती, वो हमेशा आपको मोटिवेट करती रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है जॉन यहाँ पर किड्स के द्वारा मेटाफोर के अंदर कि एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक होता है, एंडलेस फाउंटेन जो होता है हमारे यहाँ पर वो इमोर्टल ड्रिंक। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि एड्रिनी रिच चूज टू एक्सप्रेस हर साइलेंट रिवोल्ट थ्रू हर पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर जस्ट एज आंट जेनिफर्स डिड विथ हर जैसे कि एम्ब्रॉयडरी एक्सप्लेन। यहाँ पर आपको बताना है कि एड्रिनी रिच जो है उन्होंने अपनी कविता आंट जेनिफर्स टाइगर के माध्यम से अपने मौन यानी अपने साइलेंट विद्रोह को व्यक्त करने के लिए चुना, ठीक वैसे ही जैसे आंट जेनिफर्स ने अपनी कढ़ाई के साथ किया था, वर्णन करें व्याख्या करें यहाँ पर। तो इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है कि एड्रिनी रिच थ्रू हर पोएम क्रिटिसाइज द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इन हर टाइम्स, कहने का मतलब यह है कि एड्रिनी रिच जो है अपनी कविता के माध्यम से अपने समय में विवाह की पारंपरिक जो यहाँ पर संस्था है उनकी आलोचना करती है, जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थी उस टाइम पे, मतलब जो मान्यताएं थी उसकी यहाँ पर एक तरह से आलोचना नहीं होता, बेसिक टाइप का करना वो करती हैं, सजेस्टिंग दैट इट जो सो कि ऑप्रेस्ड वुमेन सिमिलरली आंट जेनिफर्स अ विक्टिम ऑफ अनहैप्पी मैरिज अंडर अ डोमेरिंग हस्बैंड चूज जो सो कि एम्ब्रॉयडरी टू वेंट हर जो सो कि एंस्ट बोथ यूज देयर क्रिएटिव आउटलेट एज अ फॉर्म ऑफ पुअरेस्ट अगेंस्ट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन करके, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बोल रहा है कि एड्रिनी रिच जो है ना अपनी कविता के माध्यम से अपने समय में विवाह की पारंपरिक संस्था की आलोचना करती हैं, यह सुझाव देती हैं कि यह महिलाओं पर अत्याचार करती हैं, इसी तरह एक दबंग पति के अधीन एक दुखी शादी की शिकार आंट जेनिफर्स अपनी नाराजगी को दूर करने के लिए कढ़ाई चुनती है, दोनों अपने क्रिएटिव यानी रचनात्मक आउटलेट का उपयोग सामाजिक अपेक्षाओं के विरोध के रूप में करते हैं, सोसाइटी का जो कह सकते हैं ना आप सोसाइटल जो एक्सपेक्टेशंस है वो उस चीज को बुराई को दिखाने के लिए दोनों अलग अलग तरीके से करते हैं विरोध, लेकिन उनका मंजिल सेम ही होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन और ये थोड़ा सा ना यूनिक क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। यहाँ पर क्या है कि एज द होस्ट ऑफ टॉक शो इंट्रोड्यूस राजकुमार शुक्ला टू द ऑडियंस बाय स्टार्टिंग यहाँ पर एनी टू ऑफ हिज डिफाइनिंग क्वालिटीज, कहने का मतलब यह है कि एज अ होस्ट
शो, यानी एक होस्ट शो हो रहा है, वहां पर आप गए मस्त एकदम नहा धो करके, और वहां पर आपको किसको यहाँ पर डिफाइन करना है, राजकुमार शुक्ला जी को डिफाइन करना है। तो शुक्ला जी को डिफाइन कर लीजिए, यहाँ पर उनकी दो क्वालिटीज को बताना है। यू मे बींग योर आंसर लाइक दिस, यानी आप अपना आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि मीट राजकुमार शुक्ला द मैन हु प्लेड अ जैसे कि पॉलिटिकल रोल इन द चंपारण मूवमेंट, ही डैश डैश डैश। तो ही के बाद आप क्या लगा देंगे, ही डिटरमाइंड, और वो दृढ़ निश्चयी थे, ठीक है, यहाँ पर परसर्विंग थे और डेडिकेटेड थे वो बंदे, यानी कि वो निर्धारित थे, दृढ़ थे किसी भी काम को करने के लिए, और वो कोई भी काम पकड़ लेते थे ना तो भैया पकड़िए लेते थे, साथ ही साथ वो समर्पित हो जाते थे। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर अपना पूरा कर सकते हैं। थोड़ा सा यूनिक है, आपको मैं क्वेश्चन दिखाने का प्रयास किया, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। सीबीएसई के ही एक सैंपल पेपर में से ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए निकाला है, ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 15वां क्वेश्चन क्या है भैया, कि व्हाई डज अ ब्यूटीफुल थिंग नॉट पास इनटू नथिंगनेस, यानी कि एक सुंदर वस्तु शून्य क्यों नहीं, मतलब उस तरह से हो जाती है आपका। तो उसका आंसर इस तरह से आप लिखेंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी वाले में से ही क्वेश्चन है, क्योंकि वो होती है एवरलास्टिंग, यानी कि कभी वो मतलब कभी स्थायी होती है, वो हमेशा के लिए परमानेंटली होती है, और लिव्स एंड जैसे कि इन डिविलियल प्रिंट ऑन आवर माइंड, यानी कि ऐसा छाप छोड़ जाता है हमारे दिमाग पर जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। इसीलिए बोला गया है कि जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो नॉट पास इंटू नथिंगनेस, और क्या है भैया, रिलाइव द जॉयफुल एक्सपीरियंस, यानी कि आनंदमय अनुभव को फिर से यहाँ पर जीवन जीवित करके दिखाता है। तो इस तरह से आप आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इंटू अ स्विमर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। क्या है भैया, कि जो इंस्ट्रक्टर था ना उसने किस प्रकार से डगलस को एक तैराक बना दिया, तो वो आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इंगेज एन इंस्ट्रक्टर टू लर्न स्विमिंग, इंस्ट्रक्टर मेड हिम प्रैक्टिस फॉर 5 days a week एंड जैसे कि आवर एवरी डे, टाइड अ रूप अटैच्ड टू अ पुली फ्री फ्रॉम फियर ऑफ वाटर, यानी कि तैराकी सीखने के लिए एक जो उसका इंस्ट्रक्टर था उसको नियुक्त किया गया, और यहाँ पर प्रशिक्षक ने यानी इंस्ट्रक्टर ने उसे सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 1 घंटा अभ्यास कराया, और पानी के भय से, पानी का जो उसका डर था यहाँ पर डगलस का, उससे मुक्त यहाँ पर कराया और उसको कैपेबल बनाया, ठीक है। साथ ही साथ बताया गया है, टॉट हिम टू ब्रीथ एंड एक्सहेल अंडर वाटर, यानी कि उसे पानी के नीचे सांस लेना और छोड़ना सिखाया, ठीक है। मेड हिम किक हिज लेग, यानी कि उसे अपने पैरों पर मतलब जैसे पैर चलाते हैं ना, वो सारी चीजें सिखाई यहाँ पर। पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर, यानी कि टुकड़ा टुकड़ा करके उसने एक तैराकी उसको बनाया, यानी कि स्विमर बनाया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन, क्या है भैया, कि व्हाई डू यू थिंक गांधी जी कंसिडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी चंपारण की ये जो घटना है ना उसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों मानते थे, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, कि फ्री द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम इनजस्टिस एंड एक्सप्लोटेशन यूजिंग सिविल डिसोबीडियंस, फर्स्ट सक्सेस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया, बिगिनिंग ऑफ लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि भारत में सविनय अवज्ञा की पहली सफलता के कारण, इसीलिए वो बोलते हैं कि चंपारण का एपिसोड उनके लिए टर्निंग पॉइंट था, और सविनय अवज्ञा का उपयोग करके बटाईदारों को अन्याय और शोषण से मुक्त कराया उन्होंने, अंग्रेजों के भय से भी उनकी मुक्ति की शुरुआत हो गई थी, कि अंग्रेजों के खिलाफ जो डर था ना कि अरे अंग्रेज आ जाएगा भाई हमारे ऊपर अत्याचार करेगा, तो वो जो भय था वो जो डर था उससे भी उनको जो मुक्ति दिलाया, इसीलिए यहाँ पर गांधी जी बोलते हैं कि गांधी जी जो है कंसिडर करते हैं एक तरह से कि चंपारण का एपिसोड उनकी लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, 18वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे,
कि why did जो है सो कि विलियम डगलस चूज YMCA पूल व्हेन ही डिसाइड टू लर्न टू स्विम। कहने का मतलब यह है कि जब विलियम डगलस ने तैरना सीखने का निश्चय किया तो उन्होंने YMCA जो पूल था उसको क्यों चुना, तो वो इसीलिए चुना क्योंकि वाज नॉक्ड बाय द वेव्स एट अ बीच इन कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया में एक समुद्र तट पर लहरों से टकराए थे वो। साथ ही साथ एट YMCA पूल अ बिग बॉय टोस्ट इन टू द डीप एंड, यानी कि YMCA पूल में एक बड़ा लड़का गहरे अंत में फेंक दिया गया इस तरह से। तो ये कुछ शॉर्ट कारण थे, मैंने आपको बताया दो कारण। वैसे तो इसको ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में आता है, शॉर्ट में अगर आएगा तो आप इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं, जिस कारण से जो विलियम डगलस था उसने YMCA पूल को डिसाइड किया कि भैया इधर ही स्विमिंग सीखना है, इधर ही अपने तैराकी बनना है भैया, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए बच्चों, 19वां क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डिड गांधी जी डू अबाउट द सोशल एंड कल्चरल अपलिफ्टमेंट ऑफ द चंपारण विलेजेस। यानी कि जो गांधी जी थे उन्होंने चंपारण के गाँव के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या किया उन्होंने, तो गांधी जी ने किया भैया महात्मा गांधी अपॉइंटेड वॉलंटियर्स टू एडुकेट द विलेजर्स ऑफ चंपारण एंड सेट अप एन आश्रम देयर। हिज वाइफ कस्तूरबा टॉट पर्सनल क्लीनिनेस एंड कम्युनिटी सैनिटाइजेशन टू द यहाँ पर विलेजेस, एंड अ डॉक्टर ऑल्सो वॉलंटियर्ड टू सर्व द विलेज ऑफ विलेज फॉर अ सिक्स मंथ, कह लीजिए या फॉर सिक्स मंथ। कहने का मतलब यह है कि गांधी जी जो थे उन्होंने क्या किया, यहाँ पर कुछ वॉलेंटियर्स को अपॉइंट किया, जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कोई कार्यक्रम होने जाता है, कोई यहाँ पर मूवमेंट होने जाता है, मूवमेंट तो नहीं कहूंगा, आंदोलन नहीं होता है, कोई कार्यक्रम ही होता है, जैसे स्पोर्ट्स डे वगैरह मनाया जाता है, एनुअल डे मनाया जाता है, तो क्या होता है वॉलेंटियर्स को अपॉइंट किया जाता है और उनके जहाँ पर उनका मतलब शर्ट का पॉकेट होता है वहां पर एक बैच लगा दिया जाता है कि हाँ ये भैया क्या है, ये वॉलेंटियर है। तो उसी तरह से गांधी जी ने क्या किया, गाँव वालों को पढ़ाने के लिए एजुकेटर्स को मतलब कुछ वॉलेंटियर्स को एजुकेटर बना दिया, एक तरह से शिक्षक बना दिया मान लीजिए, ताकि वो गांव वालों को पढ़ा सके, ठीक है। और साथ ही साथ चंपारण के अंदर एक आश्रम सेटअप हो सके। उनकी जो वाइफ थी कस्तूरबा, उन्होंने क्या किया कि साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, और क्या किया उन्होंने एक डॉक्टर के लिए, यहाँ पर बात की गई है कि डॉक्टर को लाया 6 महीनों के लिए ताकि डॉक्टर जो है गाँव वालों का ध्यान रख सके। दीज मैथड्स प्लेड जो है सो कि क्रूशियल रोल इन इंप्रूविंग द ओवरऑल वेलबींग ऑफ चंपारण रेजिडेंट्स, मेकिंग देम रेडी फॉर द सत्याग्रह मूवमेंट। कहने का मतलब ये है कि इन तरीकों ने चंपारण जो वहां पर रहने वाले लोग थे उनको एक तरह से कैपेबल बनाया कि वो चंपारण सत्याग्रह मतलब वो जो सत्याग्रह मूवमेंट हो रहा है उसके अंदर भागीदारी ले सके, ठीक है, उसके अंदर अहम भूमिका निभा सके। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है कि जो भैया गांधी जी थे उन्होंने गांव के यानी वहां के चंपारण के गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए क्या क्या किया, ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20वां क्वेश्चन क्या है भैया कि हाउ डिड एम हैमल मेक हिज लास्ट लेसन अ स्पेशल वन, व्हाट डिड ही एम्फेसाइज्ड इन इट। यानी कि जो हमारे एम हेमल थे उन्होंने अपने अंतिम पाठ को किस प्रकार विशेष बनाया और उन्होंने इसमें किस बात पर जोर दिया। तो देखिए उन्होंने जो उनका लास्ट लेसन था ना उसको ऐसे स्पेशल बना दिया कि ही प्रिसाइज्ड फ्रेंच एज द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। यानी कि वो कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो दुनिया का सबसे क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है, कह सकते हैं आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस बात पर जोर दिया कि वन मदर टंग एंड हाउ इट वुड ऑलवेज गिव पीपल अ सेंस ऑफ फ्रीडम एंड बिलोंगिंग इवन इफ दे आर इनस्लेव्ड। यानी कि वो कहते हैं कि एक बार मातृभाषा के महत्व पर जोर देना जरूरी होता है और ये हमेशा लोगों को स्वतंत्रता और अपनेपन का एहसास दिलाता है भले ही वे गुलाम क्यों ना हो। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो एम हेमल जी जो थे उन्होंने जो उनका लास्ट लेसन था उसको विशेष बनाया और उन्होंने इन बातों पर जोर दिया कि जो भैया हमारा मदर लैंग्वेज होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो हमेशा आपको एक अपनेपन का एहसास दिलाता है और ये एहसास दिलाता है कि आप आजाद है, बेशक से आप गुलाम क्यों ना हो। जैसे कि हम लोग अंग्रेजों के जब गुलाम थे तब भी हमारे देश में लोग अपनी मदर जो लैंग्वेज होती है मदर टंग जो होती है वो बोला करते थे, जैसे बिहारी व्यक्ति बिहारी बोलता था, हरियाणवी व्यक्ति हरियाणा तो उस टाइम पे था नहीं, वैसे पंजाबी व्यक्ति पंजाबी बोलता था
और स्टेट के जो लोग थे वो अपनी लैंग्वेज बोलते थे। इससे क्या होता था, बेशक वो गुलाम थे लेकिन फिर भी उनको आजाद होने का महसूस होता था। तो ये सारी बातें बता करके एम हेमेल जी जो थे उन्होंने अपने अंतिम पाठ को विशेष बनाया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना ज्यादा आप लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। और ये काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट टाइप का आप कह सकते हैं, मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस आपको बना करके दे दिए। अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसकी एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाली सीरीज भी मैं आपके लिए ला दूंगा, मतलब एक वीडियो ला दूंगा जिसके अंदर जो लॉन्ग आंसर आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग आंसर बोल रहा हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं फिलहाल के लिए बोलूं तो लॉन्ग जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर उसका एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बना करके आपको दे दूंगा। आप बस मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको वैसा वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए ला दूंगा, दोनों बुक के लिए ला दूंगा, फ्लेमिंगो वाले के लिए भी ला दूंगा और विस्टास वाले के लिए भी ला दूंगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए लाल कलर का बटन दबा करके। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा जिससे जो भी हम नया वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।